नमस्कार साथियों, मैं हूं सुखदेव सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हैं सर्किल लैब। देखेंगे दिनभर की पांच बड़ी खबरें। मानेवला में दो दिन पूर्व हुए महिला सरपंच पर जेसीबी के हमले का डीएसपी जयदेव सियाग ने मौका निरीक्षण किया। इस दौरान डीएसपी जयदेव सियाग ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। इस दौरान सरपंच रेखा चौधरी व सीआई बाग सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। सायला पुलिस ने राज्य पशु 17 ऊंटों को एक ट्रक से मुक्त करवाकर जिंदिया गौशाला मीरपुरा भीमा भेजा गया। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर सायला पुलिस ने एक ट्रक को रुकवाया, जिसमें एक ही ट्रक में राज्य पशु 17 खसाखस भरे हुए मिले। पुलिस ने ऊंटों को मुक्त करवाकर मीरपुरा जिंदिया गौशाला में सुरक्षित पहुंचाया। वही मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये ऊंट खोखा से भरे गए थे, वही आगे कत्ल खाने में ले जा रहे थे। जालौर नगर परिषद में सभापति पद के लिए राजेंद्र सोलंकी व गोविंद टोंक के बीच होगा सीधा मुकाबला। नामांकन वापसी प्रक्रिया के तहत निर्दलीय प्रत्याशी सुशीला की नाम वापसी के बाद भाजपा से गोविंद टोंक व कांग्रेस के राजेंद्र सोलंकी के बीच सीधा मुकाबला होगा। सभापति पद के लिए 26 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया होगी। सायला कस्बे में दीक्षार्थी का निकाला भव्य वरघोड़ा। वरघोड़े के तहत हार्दिका कुमारी ने अपने मुक्त हस्तों से प्रसिदान किया। प्रसिदान के तहत ग्रामीण प्रसिदान लेने के लिए उमड़े। 1 फरवरी को हार्दिका कुमारी दीक्षा लेगी। अहोर के शेदरिया के पास बाइक व मारुति वैन की टक्कर में एक जने की मौत हो गई, वहीं एक जना घायल हो गया। जानकारी के अनुसार स्टेट हाईवे 325 शेदरिया के पास बाइक व मारुति वैन की टक्कर में राजेश कुमार पुत्र कीकाराम मीना निवासी मेवासा भाद्राजुन की मौत हो गई, वहीं धर्माराम घायल हो गया। सुखदेव सिंह राजपुरोहित, सर्किल ऐप जालौर। अन्य ताजा खबरों के लिए सर्किल ऐप पर फॉलो जरूर करें।